त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिकों के अंतिम दिन का प्रशिक्षण योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह तथा एनएक्सी भवन के सभागार में रविवार को 3 शिफ्टों में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद गोरखपुर में 4700 बूथों पर मतदान होना है और मतदान को संपन्न कराने के लिए 22,000 कार्मिकों की आवश्यकता थी, जिनका प्रशिक्षण प्रेक्षागृह तथा एनएक्सी भवन के सभागार में किया गया। उन्होंने बताया कि कार्मिकों ने बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण को प्राप्त किया है, जिसके लिए कार्मिक धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को कार्मिक सुबह 9 बजे से अपने ब्लॉक पर पहुंचकर मतदान पेटी के साथ अपने बूथ पर रवाना हो जाएंगे और 15 को मतदान संपन्न कराने के बाद मतदान पेटी को लेकर स्टाफ रूम में जमा कर अपने कार से मुक्त हो जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, इसलिए अपने पास लेके जाइए, जो भी आप सभी लोग हमें डालिए, जो भी है प्राइवेट फूड्स के रूप में जो भी आप ले सकते हैं रखिए, पानी जरूर रखिए। वैसे 90% स्कूलों में हैंडपंप का हैंडपंप है और आजकल हर गांव में दुकानें भी खुल गई हैं पानी का, और स्कूल में जो रसोईयां हो गए हैं जो मिड डे मील बनाते हैं उनको भी निर्देश है कि आपकी इच्छा अनुसार होगी रोटी सब्जी रोटी दाल जो भी बनाएंगे बनाएंगे वो सभी जो भी चार्ज करेंगे उसको आपको दे। ये मैंने बता दिया कि जो भी सर्टिफिकेट बता रहे हैं उसकी सूची आप बाहर रखा देंगे, सुबंधक चीज जो लगा है मत पर तो उस पर विकास अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर होंगे तो स्वयं में एक इलेक्ट होंगे, लेकिन प्रधान स्वयं में अगर करा है चुनाव रोक रहे हैं तो उसको भी एजेंट बनना बनना, ऐसा बिना एजेंट बने वो वहां बूथ पर नहीं रह सकता। लेकिन एक कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो अपना दो पोलिंग एजेंट बना सकता है, दो पोलिंग एजेंट, लेकिन एट ए टाइम एक ही पोलिंग एजेंट बूथ पर रहेगा, एक बाहर रहेगा, रिलीवर के रूप में बाहर रहेगा। जब टॉयलेट कहीं जाता है तो दूसरे को बुलाएगा, उसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये जा रहा है इसके रिलीवर को बुलाया है, ये उसके ऊपर है। एजेंट प्रारूप 24 पर आपको ये देखना है कि जिसने भी इसको भेजा है प्रपत्र 24 भर के दिया है उस पर कैंडिडेट का हस्ताक्षर होता है, या तो उसका इलेक्शन एजेंट ये भेजता है। पोलिंग एजेंट इलेक्शन एजेंट में अंतर ये है, पोलिंग एजेंट उसी बूथ पर रहेगा, इलेक्शन एजेंट होते हैं जैसे जिला पंचायत सदस्य का बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उसके हर बूथ पर अलग अलग पोलिंग एजेंट हो सकते हैं, तो वो अपना एक इलेक्शन एजेंट रखता है, उसको जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अप्रूव किया जाता है कि इस कैंडिडेट का इलेक्शन एजेंट है, तो कैंडिडेट के बिहाफ में इलेक्शन एजेंट ये सब काम करता है। तो पोलिंग एजेंट दो होंगे, सुबह 6:30 बजे मतपेटी की तैयारी कर लेना है, मतपेटी खोल के इसको सभी को दिखाना है जितने भी पोलिंग एजेंट है इसमें कोई मत पत्र नहीं है, आप ग्रीन पेपर सील लगाएंगे, सील है इसमें एक कप ग्रीन रहा है, तो ग्रीन के तरफ जो है एक नंबर होता है, एक जो पत्र मुद्रा इसे कहते हैं, ये पत्र मुद्रा का नंबर होता है, इसको पीठा से डायरी में नोट किया जाता है, तो किस नंबर का ग्रीन पेपर सील प्रयोग हुआ है इसको नोट कर लीजिएगा, और सफेद की तरफ पीठा से अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे, और 2-3-4 अगर जो भी पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। एक ग्रीन पेपर सील बक्से में लगाएंगे, उसके बाद मतपेटी की खाली दिखा दिए और मतपेटी के अंदर जो है पते की पर्ची डालेंगे, पते की पर्ची जो है ये छपा छपाया मिलता है तो आपको छपा छपा मिलेगा कि मध्य स्थल का क्या नाम है, मध्य स्थल का क्या क्रमांक है और पीठा दिन का हस्ताक्षर, जिससे कि मालूम हो जाएगी मतपेटी कहाँ का है, किस बूथ का है, तो वो पर्ची पते की पर्ची इसमें डाल देंगे, उसके बाद इसको सील बंद करने के डिब्बा खोलते समय देखिए 60 में मैं बता दूं, बस एक याद करिए तो अपने आप उसका उल्टा होगा कि बंद करते समय उसके उल्टे घुमाना है, खोलते समय ऊपर जो लीवर है यहाँ पर एक लीवर है अभी खोल के बताया जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, खोलते समय नोट कर लीजिए कहीं का नोट करना हो एंटी क्लॉकवाइज, तब कंफ्यूजन नहीं है, बंद करते समय मत याद करिए, खोलते समय मत याद करिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ये
180 अगर घुमाते हैं तो जो स्लिट है जिससे मतपत्र डाला जाता है वो खुल जाता है, वो वाला छेद खुल जाएगा। 2 इंच लंबा है और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और उस समय ढक्कन नहीं खुलेगा। जब फिर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री और घुमाएंगे तो ढक्कन खुल जाएगा, यानी कि 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ढक्कन खुल जाता है। 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज याद करिए। अब इस खुलने के बाद वही ग्रीन पेपर सील लगाना है, सभी एजेंटों को दिखाना है और उसके बाद इसमें पते की पर्ची डालना है। ग्रीन पेपर सील में मैंने बता दिया, सफेद पोषक पत्र पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और 2-3 पोली के एजेंट हस्ताक्षर करना चाहते हैं तो उसे करा लीजिए। उसके बाद इसको ढक्कन बंद कर दिए। तो अब इसको बंद करना है, खोलते समय एंटी क्लॉकवाइज था यानी कि बंद करते समय अब इसका उल्टा घुमाना है। बाहर से भी पते की पर्ची लगा देंगे और पोलिंग चालू हो गई। अब सुनिए, अब पोलिंग स्टार्ट 7 बजे। कोई मतदाता आया, मतदान अधिकारी आप ही के पास आएगा, आप मतदान के पक्ष में आपके पास मतदाता आता है। अगर कोई तुरंत पोलिंग एजेंट ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आप सुभाष सिंह के नीचे अंदर लाइन लगा देंगे और वो फिर उसको अमित शाह तर्जनी पर लगाए पत्र पर, उसके ऊपर तो उसका हस्ताक्षर का खाता लगवा लेंगे, उसका खंड संख्या भर देंगे, भाग संख्या भर देंगे, जितने पद का चुनाव हो रहे हैं उतने मत पत्र दे देंगे। बिल्कुल ओपन माइंड होकर के जो लोग कुछ सिनेमा हॉल की का आनंद उठाने जैसे स्थिति में बैठे हैं, कृपया वो अपने प्रशिक्षण वाली स्थिति ना जाए, बैक रेस्ट का थोड़ा कम प्रयोग करें, कमर सीधी करके दिमाग बिल्कुल बाधित कर सकते हैं और आप पर प्रश्न खड़ा कर सकता है। तो इसलिए बड़ी गंभीरता से सुने जो मैं कहने जा रहा हूँ। जब 14 तारीख को आप अपने विकासखंड मुख्यालय जो आपके ड्यूटी सर्टिफिकेट के बाद आपकी सभी पोलिंग पार्टियों का 14 तारीख की मॉर्निंग में बूथवार रैंडमाइजेशन के बाद आपके बूथ तय किए जा चुके हैं। तो जब आप वहाँ गेट पर पहुँचेंगे तो आपकी पोलिंग पार्टी की ड्यूटी उस विकासखंड के किस ग्राम पंचायत के मतदाताओं के लिए किस मतदेय स्थल पर ड्यूटी लगाई गई है उस मतदेय स्थल का प्रमाण और नाम पता चलना होगा कि इस पोलिंग स्टेशन से संबंधित जितना भी मतदान सामग्री है वो किस एआरओ के टेबल से प्राप्त करनी है। वो एआरओ का टेबल एआरओ के काउंटर लगे हैं, आपको सारे एआरओ काउंटर में से केवल एक जो आपको सूचना पत्र पर निर्देशित किया गया है उसी काउंटर पर पहुंचे और अपने उसी टेबल के आसपास के सुरक्षित स्थान देखकर जहाँ छाया हो और आपको सुविधाजनक लगे वहाँ पर बैठ जाए और बैठने के बाद मिलान करना है उसका। तो आपको 2 पेटियाँ दी गई हैं, पेटियों पर भी क्रमांक इनग्रेव्ड होते हैं, वो क्रमांक अलाटेड हैं आपको कागज में, आपसे खुलती हैं बंद होती हैं और वो पेटियाँ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका जो ढक्कन है उसमें जो ऊपर का प्लेट है जो घूमता है वो बैलेटिंग मोड में आता है कि नहीं आता है। बैलेटिंग मोड का अभिप्राय पेटियों के बैलेटिंग मोड में होने का मतलब ये है कि उसका जो उसमें छेदने बनी है स्लॉट उस पोजीशन में ले आने पर आर पार उसमें मतपत्र जा सकते हो, उस कंडीशन को मतपेटी का बैलेटिंग मोड कहते हैं। तो बैलेटिंग मोड में भी मतपेटियों को चेक कर लें, बंद करने का पूरा एक्सरसाइज अभी जब आपका यह सत्र समाप्त होगा तो इधर से एग्जिट करना, वाय इधर से है जाना इधर से है, तो उधर गली में तमाम मतपेटियाँ रखी हुई हैं वो आपके खोलने बंद करने का प्रैक्टिकल इत्यादि आप कर लें, उस पर चेक कर लें कैसे होता है और उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो मतपेटियों को 14 तारीख को वहाँ बैठ करके वैसे ही चेक कर लीजिए कि हमारे मतपेटियाँ बिल्कुल ठीक हैं। यदि उसमें कोई बड़ी कमी है जैसे मान लीजिए खुल ही नहीं पा रहा है लाख प्रयास करने के बाद या बंद होने में कोई समस्या आ गई या जिसमें सीलिंग करनी है पेपर से डाल के उसमें पेपर ठीक से घुस ही नहीं पा रहा है उल्टा सीधा हो जा रहा है तो उस मतपेटी को ले जाके उसी एआरओ टेबल से अपनी समस्या बता करके उसका निराकरण कर लें, दूसरी मतपेटी चेंज कर लें या यदि उसमें कोई समस्या है हो सकता है कि उस बूथ उस टेबल पर आपको उसका निराकरण कर दिया जाए, वही मतपेटी इस्तेमाल करने लायक बना दी जाए। तो
तो वो अपनी मतपेटी से इंश्योर हो गए। उसके बाद आपको एक फॉर्मेट 41 को वो बाहर ही रखा होगा, आपको एआरओ साहब दिए हैं मतपेटी फॉर्मेट 41 को और एक बैग जिसको हम लोग सामान्य रूप से मतदान किट बोलेंगे, वो किट मिला हुआ है। वो जो 41 का है वास्तव में वो चेकलिस्ट, उसी में सारी मतदान सामग्री जो उस बूथ के लिए आवश्यक हैं उसकी सूची है, आइटम वाइज लिखा है उनकी कितनी मात्रा आपको आवश्यक है चाहिए वो भी उसमें दर्ज है। उसी अनुरूप उसी सूची के अनुरूप आपके किट में सभी सामग्री मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से बिल्कुल सही होनी चाहिए। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह हूँ, ईडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। हमारे गोरखपुर में लगभग 4700 बूथों पर मतदान होना है और लगभग 22,000 कार्मिकों की आवश्यकता थी। दिनांक 6 अप्रैल से स्थानीय प्रेक्षा गृह में और एनएक्सी में इनका प्रशिक्षण चल रहा था। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त किया, सभी कार्मिक इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी कार्मिकों से अनुरोध करता हूँ, शुभकामनाएँ भी देता हूँ कि वे आगामी 14 अप्रैल को जो भी ब्लॉक उनको आवंटित है सुबह 9 बजे पहुंच जाएं अपनी तैयारी के साथ। वहां उनको मालूम हो जाएगा कि किस बूथ पर जाना है अपनी मतदान पार्टी के साथ, जो उनको बस आवंटित है अपनी सामग्री लेकर के मतदान पार्टी के साथ उस पर बैठ जाएं और अपने बूथ के लिए रवाना हो जाएं। रात्रि उनको वहीं पर विश्राम करना है और दूसरे दिन 15 तारीख को मतदान कराने के बाद शाम को मतपेटिका के साथ वापस जहाँ पर मतपेटिका जमा कराया जाएगी स्ट्रांग रूम में उसको जमा करा करके उनका कार्य समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।